Hello dear students, how are you? Hopefully all of you are really good. In this video we will talk about some of the questions related to the last video examples or last video formula. Last video mein jo humne formulas seekhe the us par based hume kuch examples karna hai. Trigonometry ka 16th part hai ye. Hopefully 17 ya 18th part mein hamara trigonometry khatm ho jayega. Is baat ki main ummeed kar raha hu yahan se. तो यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स या फिर कुछ क्वेश्चंस लेंगे जो हमने फार्मूलाज जनरल सॉल्यूशन के सीखे थे उस पर बेस्ड, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हमें क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है रिलेटेड टू जनरल सॉल्यूशंस. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैंने एक एग्जांपल लिया है जो कि आपके सामने है कि 2 cos² θ माइनस sin² θ इज इक्वल टू 1. इसे सॉल्व करके हमें इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है. तो सबसे पहली स्टेप इसमें क्या होगी कि हमने एक फार्मूला पढ़ा है cos² θ माइनस sin² θ, जो कि cos²θ का फार्मूला होता है. बस हमें यहाँ पर वो अप्लाई करना है. उसके बाद आगे की प्रोसेस हम करेंगे. यहाँ पर cos²θ इज इक्वल टू 1/2, और cos²θ मतलब 1/2 cos θ हमें कहाँ देता है, हमें वो यहाँ पर जो है सोचना पड़ेगा. तो 60 डिग्री पर हमें 1/2 मिलता है, यानी π/3 पर. तो हम यहाँ पर जो है cos²θ इज इक्वल टू cos π/3, ये हम यहाँ से प्रिडिक्ट कर लेंगे. और हमने cos x इज इक्वल टू cos α, cos x इज इक्वल टू cos α का जनरल सॉल्यूशन पढ़ा है, जो कि यहाँ पर भी मैंने लिख दिया है. cos x इज इक्वल टू cos α का जनरल सॉल्यूशन होता है x इज इक्वल टू 2π 2nπ प्लस माइनस α. तो यहाँ पर x की जगह पर 2θ है और यहाँ पर α की जगह पर π/3 है. अब इसको रखकर जब हम सॉल्व करेंगे थीटा इज इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस π/3, ये निकल करके सामने आएगा. और इसको सॉल्व करके जब हम थीटा का जनरल सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे तो आएगा nπ प्लस माइनस π/6. ये एक जनरल सॉल्यूशन हो गया इसका. ये बहुत ही सिंपल सा, वेरी सिंपल क्वेश्चन था ये. इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. इससे आपको थोड़ा आइडिया लगा होगा, अंदाज लगा होगा कि हम जनरल सॉल्यूशंस के क्वेश्चंस को कैसे डील करते हैं. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी सिंपल क्वेश्चन इज दिस. इसे हमें सॉल्व करना है. इसमें सबसे पहले आपके सामने आना चाहिए sin²θ को हम थीटा में कैसे चेंज कर दें. तो 2 sin θ cos θ एक सिंपल सी आइडेंटिटी है, सिंपल सा फार्मूला है, उससे हम चेंज कर देंगे. और इसे 1/sin θ यानी cos²θ को 1/sin θ हम लिख देंगे इज इक्वल टू 1. यहाँ से हमें मिलेगा 2 cos θ इज इक्वल टू 1 और cos θ इज इक्वल टू 1/2. ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन हो गया जो हमने किया था. बस वहाँ पर 2θ था और यहाँ पर थीटा है. तो हम वही वाला जनरल सॉल्यूशन लगाएंगे जो हमने sin x cos x इज इक्वल टू cos α वाला सीखा है. cos x इज इक्वल टू cos α में x इज इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस α होता है. तो इसी तरीके से थीटा इज इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस, यहाँ पर अल्फ़ा की जगह पर आ जाएगा cos, मतलब अल्फ़ा की जगह पर π/3 आ जाएगा, क्योंकि 60 डिग्री पर हमें 1/2 मिलता है. तो यहाँ पर आ जाएगा π/3. इजंट दैट सिंपल. ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा सिंपल था बच्चों, और इसे डील करना भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं था. तो ये भी अच्छे से समझ आया होगा, इस बात की उम्मीद कर रहा हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं. दिस इज़ अनदर वेरी सिंपल क्वेश्चन. इसे डायरेक्टली हम सॉल्व कर सकते हैं एक जो हमने जनरल सॉल्यूशन सीखा था उससे. हमने जनरल सॉल्यूशन cos x इज इक्वल टू cos α का सीखा है. x इज इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस α. तो यहाँ पर x की जगह पर 5θ और y की जगह पर α की जगह पर 4θ है. तो यहाँ पर हम वही अप्लाई करेंगे 2nπ प्लस माइनस 4θ, ये हमने अप्लाई किया है यहाँ पर. अब हम जो है इसको 5θ इज इक्वल टू 2nπ, एक बार प्लस का साइन लेंगे
और एक बार हम यहाँ पर माइनस का साइन लेंगे, तो हमें यहाँ पर दो सॉल्यूशंस सामने निकल करके सामने आएंगे। तो वो क्या रहेंगे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 5θ - 4θ = 2nπ। तो θ = 2nπ एक सॉल्यूशन हमारे सामने निकल कर के आएगा। यहाँ पर आ जाएगा 5θ + 4θ = 2nπ, 9θ = 2nπ, और θ = 2nπ/9। ये दो सॉल्यूशंस हमारे सामने निकल कर के आए हैं। अब इन्हें हम किसी तरीके से कंबाइन तो कर नहीं सकते, इसलिए इसका आंसर होगा धिस और धिस। वी कैन नॉट कंबाइन दिस टाइप ऑफ टू इक्वेशंस और टू सॉल्यूशंस। तो इस तरीके से इसका आंसर हम 2nπ / 9 दे सकते हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर अस इज धिस, 10θ = 10θ/2। इट्स वेरी वियर्ड क्वेश्चन ना, बहुत ही अजीब क्वेश्चन है। 10θ = θ/2, बस यहाँ पर हमें सिंपल सा एक कंसेप्ट लगाना है, 10 अल्फा का, जो कंसेप्ट ये कहता है कि x = nπ + अल्फा, कंसेप्ट हमें ये कहता है। तो ये हम लगा देंगे, x की जगह पर 2θ है = nπ, और प्लस अल्फा की जगह पर θ/2 है। इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन है, nπ, एंड दिस मस्ट बी 3θ/2 = nπ, एंड θ = 2nπ/3। इजंट इट वेरी वेरी सिंपल? बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन नहीं था ये, बिल्कुल बहुत ज़्यादा सिंपल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो तो बहुत सिंपल था, लेकिन ये वाला क्वेश्चन सिंपल नहीं है। तो चलिए हम इसमें कंसेप्ट लगाते हैं, इफ़ 10x = 10α, देन x = nπ + अल्फा। तो 2θ = nπ + 2/θ। अब इसे सॉल्व करना है हमें, बनेगी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो 2θ - 2/θ = nπ, तो 2θ² - 2 = nπ θ। हाउ टू सॉल्व इट, कैसे इसको सॉल्व करेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे बिल्कुल, और वैसे ही इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 2θ² - nπθ - 2 = 0। सो हियर a = 2, b = -nπ, एंड c = -2। वी विल पुट द वैल्यूज इन धिस एक्सप्रेशन अपॉन 2a। वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। b की जगह पर -nπ है, तो +nπ हो जाएगा ये, ±√b² यानी n² π² -4ac, मतलब 4 × 8 × 16 हो जाएगा प्लस का, डिवाइडेड बाय 2a, दैट इक्वल टू 4। तो बस थीटा की वैल्यू आ गई 1/4 ब्रैकेट में nπ ± √n² π² + 16। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर, ये हमारा एक फाइनल आंसर है। तो बच्चों, इस क्वेश्चन के लिए पूरा क्वेश्चन ये है कि थीटा की हमें वो वैल्यू निकालना है जो इन दोनों को सेटिस्फाई करे। ऐसी वैल्यू हमें थीटा की निकालना है जनरल सॉल्यूशन में। तो अगर हम देखें, यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू माइनस में आ रही है और टेन थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव में आ रही है। ये वैल्यूज़ क्या है वो तो अभी हम निकाल लेंगे, सिंपल सी बात है। साइन थीटा माइनस में होता है फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट को छोड़कर बाकी दोनों क्वाड्रेंट में, लेकिन टेन थीटा पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, इसलिए थीटा मस्ट बी इन थर्ड क्वाड्रेंट। थीटा सबसे पहले मैं लिखूंगा, मस्ट बी इन थर्ड क्वाड्रेंट। एक और बार मैं आपको समझा देता हूँ अगर कोई प्रॉब्लम रही हो तो। साइन थीटा नेगेटिव फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट को छोड़कर बाकी सब में होता है, तो फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट कट गए। टेन थीटा जो पॉजिटिव है वो होता है फर्स्ट
और फोर्थ क्वाड्रेंट को छोड़कर। तो बचा हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट, इसका मतलब थीटा मस्ट बी इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो हम सबसे पहले इसका एक जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में होना। जनरल सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या वैल्यू आना चाहिए इसकी। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा रफ कॉलम में करके साइन थीटा 1/2 हमें कहाँ देता है। तो साइन थीटा 1/2 हमें जो देता है वो थीटा की किस वैल्यू पर देता है, वो थीटा की वैल्यू पर देता है हमें। साइन थीटा 1/2 हमें मिलता है साइन थीटा इज इक्वल टू साइन पाई बाय 6 यानी कि 30 डिग्री पर। लेकिन हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो जाना ही नहीं है, 30 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। अब हमें इसको थर्ड क्वाड्रेंट में ले जाना है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में ले जाने के लिए हम इसको पाई प्लस समथिंग करेंगे, पाई प्लस समथिंग करेंगे यानी कि पाई प्लस पाई बाय 6 करेंगे। तो ये जो है साइन पाई प्लस पाई बाय 6 हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 7 पाई बाय 6। एक वैल्यू तो हमारी ये आ गई 7 पाई बाय 6, ठीक है। तो एक वैल्यू हमारी अगर इन सब से सबको मिलाकर हम सिर्फ एक ही स्टेटमेंट लिखना चाहें तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 7 पाई बाय 3। दूसरी वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे जो कि टेन थीटा इज इक्वल टू 1/√3 मिलता है। अब टेन थीटा इज इक्वल टू 1/√3 हमें सबसे पहली बात तो जो है मिलेगा 30 डिग्री पर यानी कि पाई बाय 6 पर, 10 पाई बाय 6 पर। लेकिन 10 पाई बाय 6 हम वैल्यू ले नहीं सकते क्योंकि हमें फर्स्ट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो जाना ही नहीं है, थर्ड क्वाड्रेंट पे जाना है। तो इसको थर्ड क्वाड्रेंट बनाने के लिए वही हम करेंगे जो हमने साइन के साथ में किया है, पाई प्लस पाई बाय 6 कर देंगे तो भी हमें वही वैल्यू यहाँ पर मिलेगी, मतलब 10 7 पाई बाय 6। सो मोस्ट सूटेबल वैल्यू फॉर थीटा इज 7 पाई बाय 6 एंड 7 पाई बाय 3, दोनों वैल्यूज़ हैं हमारे पास में। एक तो 7 पाई बाय 6 ही है, यहाँ पर 6 ही आएगा, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू 7 पाई बाय 6 इज मोस्ट सूटेबल वैल्यू फॉर दीज टू। अब हमें क्या करना है आगे की स्टेप, हमारे पास एक सॉल्यूशन तो आ गया, थीटा इज इक्वल टू 7 पाई बाय 6 ये आ गया है, एक जनरल सॉल्यूशन नहीं बल्कि एक समझ लीजिए एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गया है। अब हमें क्या करना होता है कि हमें ये मालूम है कि दोबारा ये वाला जो एंगल है, मतलब ये वैल्यू दोबारा कब मिलेगी हमें, दोबारा उसी क्वाड्रेंट में आकर कब मिलेगी। क्योंकि अगर हम क्वाड्रेंट के सामने देखें तो हर 2 पाई पर अपनी वैल्यू, हर 2 पाई पर अपनी वैल्यू क्वाड्रेंट रिपीट करता है। इसलिए यहाँ पर हमें जनरल सॉल्यूशन के लिए, इसको जनरल सॉल्यूशन करने के लिए 2n पाई प्लस 7 पाई बाय 6 करना पड़ेगा। क्या आपको समझ नहीं आया है, तो बहुत सिंपल सा तरीका है कि अगर हम यहाँ पर n को रख कर देख लीजिए, n को 0 रखिए तो ये वैल्यू आ जाएगी, n को 1 रखिए तो वो वैल्यू आएगी जहाँ पर दोबारा हमें tan थीटा की और sin थीटा की ये वैल्यू मिलेगी। तो इस तरीके से सिंपल सा एक लॉजिक है कि हर वैल्यू, हर ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू अपने आप को रिपीट करती हर 2 पाई के बाद। इसलिए हमने मोस्ट सूटेबल करने के लिए ये दोनों जहाँ पर हमें मिले वो हमने जो है 2n पाई इसके आगे लगा दिया है। होपफुली ये आपको दिमाग में बैठी होगी ये बात। अब कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस हमें देखने के लिए मिलेंगे। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हुई है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के फॉर्म में, यानी कि कॉस के फॉर्म में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना हमें आता है, बहुत सिंपल तरीके से हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसके फैक्टर निकालें, फैक्टर के तरीके से ही करेंगे तो ज़्यादा कम्फर्टेबल रहेगा हमारे लिए। तो अगर हम फैक्टर निकालें तो आ जाएगा इसमें 4+1 आएगा मेरे ख्याल से, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 1। सिंपल है, आप कॉस की जगह पर एक्स रख के देखिए तो आपके सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे। अब इन दोनों में से 2 कॉस थीटा जो है कॉमन आ रहा है तो बचेगा कॉस थीटा माइनस 2 माइनस यहाँ से 1 कुछ नहीं तो 1 कॉमन आ जाएगा तो कॉस थीटा माइनस 2 बच जाएगा। तो एक बार कॉस थीटा की वैल्यू जो है
अपने पास में 2 आ रही है और एक बार cos थीटा की वैल्यू यहाँ से आ रही है 1/2। अब चूंकि cos थीटा 2 इज इम्पॉसिबल एज cos थीटा कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1 एंड नेवर बी लेस देन -1, तो इसलिए इम्पॉसिबल वैल्यू है, तो इसी वैल्यू के साथ में हमें डील करना पड़ेगा। अब इस वैल्यू के साथ में अगर हम डील करें तो इसको तो हमने दो बार सॉल्व कर लिया इसी वीडियो में 1/2 को, तो 1/2 हमें पाई बाय 3 पर देता है, तो x इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा, बार बार देखने की ज़रूरत पड़ रही है, 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2n पाई π/3। दिस इज़ अवर सॉल्यूशन। तो क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आ जाए तो इस टाइप से, इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं हम। होपफुली आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा कि जनरल सॉल्यूशन को कैसे हम डील करते हैं। अपना सजेशंस बिल्कुल कमेंट्स में दिया करो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और क्या इम्प्रूवमेंट करना है, वो सजेशंस आप देते रहेंगे तो ये YouTube के एल्गोरिथम में है कि ज़्यादा कमेंट्स या लाइक या डिसलाइक आते रहते हैं तो वो वीडियो वायरल होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। उससे मेरा भी फ़ायदा होगा, आप लोग भी सजेशंस देंगे तो आगे वीडियो किस टाइप से कैसे बनाना है, क्या इम्प्रूवमेंट करना है, वो भी मुझे पता लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।